भारत और इंग्लैंड का मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत की गेंदबाजी की बात थी लाजवाब थी। भारत के गेंदबाज ने मानिए कि पूरे इंडिया का दिल जीत लिया था इस मैच में, और खासकर मोहम्मद शमी ने तो 3 विकेट लिए थे और अपने नाम कर लिया था। लेकिन बेन स्टोक के विकेट को देखकर टीम इंडिया के खिलाड़ी और फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। इस मैच में मोहम्मद शमी ने बेन स्टॉक को जितना परेशान किया था, शायद ही फ्रेंड्स इस बात को कभी भूल पाएंगे। बेन स्टॉक को क्रीज पर आते ही मोहम्मद शमी ने अपने बॉल में गति और स्विंग के द्वारा बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। शानदार ओवर फेंकते हुए बेन स्टॉक को पहले सेट किया और आठवीं ओवर की आखिरी गेंद में उन्हें वापस कर दिया, यानी कि वापस भेज दिया। और फैंस के द्वारा, मोहम्मद शमी द्वारा बेन स्टॉक के लिए फेंका गया इस ओवर को ओवर ऑफ द टूर्नामेंट बोला जा रहा है। ओवर ऑफ द टूर्नामेंट इसलिए क्योंकि भारत ने लगभग 229 रन ही बनाया था, और यह सभी के लिए बहुत ही चिंता की बात थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसकी बात ही कुछ अलग थी। कल की गेंदबाजी एकदम देखने वाली थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने शुरुआती ओवर में ही महत्वपूर्ण विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया, और मेरे लिए शमी का ओवर जब उन्होंने बेन स्टॉक को राउंड स्टंप फेंकी, ओवर ऑफ द टूर्नामेंट था। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड टीम के क्रिकेटरों के बैटरों का सीक्वेंस ही उखाड़ कर रख दिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।